मेहरबानो, हाउ डू यू डील विद प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर्स इन द टेलीविजन एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? बिकॉज ये बहुत प्रिवेल करता है, बहुत ज़्यादा हरासमेंट भी प्रिवेल करती है, कास्टिंग काउच भी प्रिवेल करता है, नोबडी टॉक्स अबाउट इट. अभी तक आई इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ सीनियर एक्टर्स, फीमेल एक्टर्स, वो ये कहते हैं कि है, हमारे साथ कभी नहीं हुआ. बट यू आर समबडी हु इज एक्चुअली एडमिटेड कि हुआ है, यू हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड टू से कि हुआ है. आई वॉज लिसनिंग टू वन ऑफ योर ओल्डर इंटरव्यूज एंड यू डिडंट नेम योर ऑब्वियसली एनीबडी, बट यू डिड से कि ये होता है. इज इट गेटिंग बेटर और इज इट गेटिंग वर्स? इज देयर एनी काइंड ऑफ कंट्रोल ऑन द प्रोडक्शन सेट नाउ कि अगर आप हरास हो रहे हो, इज देयर समबडी टू गो टू कि आप अनोनिमिटी के एक सेफ्टी के अंदर आप कर सको कंप्लेन, या ऐसा कोई नहीं है कल्चर? ऐसा कोई कल्चर नहीं है. नहीं है, नहीं. अगर ऐसा कल्चर होता तो फिर ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ और वर्क प्लेस हरासमेंट का कल्चर है, दैट यू नो वुड हैव द अदर काइंड ऑफ कल्चर वुड हैव काउंटर्ड दिस कल्चर, यू नो. बट द फैक्ट दैट दिस इज बीइंग केप्ट सो हश हश एंड इट इजंट टॉक्ड अबाउट एवर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. और ये होता तब है जब यू नो विमेन कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स बिकॉज दे फील लाइक यू नो देयर जॉब और देयर लाइवलीहुड माइट बी थ्रेटन्ड. एंड इट इज, इट इज, इट डज गेट, इट इज ट्रू. एंड आई हैव सीन दिस हैपन टू सो मेनी अदर वुमेन बिकॉज आई एम अ परसेप्टिव पर्सन एंड आई हैव बीन ऑन सेट सिंस आई वॉज वेरी यंग. एंड इफ आई से सो माई सेल्फ, आई इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू फिगर आउट दैट आई वॉज इवन बींग हरेस्ड एट वर्क प्लेस, यू नो, बिकॉज आपको नहीं समझ आता है, स्पेशली वेन यू आर सो यंग एंड यू आर थ्रोन इन टू दिस. एंड विद मी आई वॉज वेरी वेरी प्रोटेक्टेड बिकॉज आई हैड सरमद एंड ही इज लाइक माई मेंटोर एंड ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी. बट एज आई ग्रू ओल्डर कुछ रिकरिंग चीज़ें होती थी दैट आई डिडंट रियली अंडरस्टैंड एंड दे डोंट रियली हैव टू बी फिजिकली फिजिकल हरासमेंट, माइंड यू. हरासमेंट can be anything if it makes you feel uncomfortable. Bilkul. It can be something that someone says. The only onus here is that the person who is harassing you needs to be at a higher position than you. Hierarchy mein unko upar hona padta hai, tabhi ek पावर डायनामिक बनता है जिसके अंदर एक इंसान कमजोर होता है, एक इंसान ताकतवर होता है. और जो ताकतवर इंसान है, अगर एक इंसान को हरास करता है तो जो कमजोर इंसान होता है उसको चुप करना होता है, क्योंकि उसको लगता है जैसे उसकी जॉब थ्रेटन हो रही है या उसका लाइवलीहुड थ्रेटन हो रहा है या उसकी बात कोई मानेगा नहीं. या इट्स ओके, ये होता है. हाँ, ये होता है. एंड बिकॉज यू नो इट हैपेंस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, नो वन बैट्स एन आईलिड, और लोग देखी अनदेखी कर देते हैं. सो इट्स ऑलवेज, दीज आर वेरी ट्रिकी वाटर्स टू ट्रेड विद, यू नो. यू कांट एक्सपेक्ट एनीवन टू स्टैंड अप फॉर यू. आई विल से हाउएवर दैट वन ऑफ माय फर्स्ट केसेस वेयर आई हैड टू एक्सपीरियंस हरासमेंट, सबा कमर एक्चुअली केम टू माय रेस्क्यू. शी एक्चुअली एक माइक वाला था. सो लाइक आप, you can get harassed at any time by anyone, especially when you don't know what's going on and you're just a child. You know, she actually, I told her because I didn't know what was going on and I was really confused, and she just went on set and she had him kicked out. And I think that's the only time I remember like someone taking a stand, woman taking a stand for you, taking a such a strong stand for me. Huh. कि मुझे लगा कि आई शुड बी मोर अवेयर नाउ ऑफ व्हाट हैपेंस टू मी एंड व्हाट हैपेंस टू अदर गर्ल्स, सो आई कैन आल्सो स्टैंड अप फॉर देम. एग्जैक्टली. बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट एज इजी सेड, नो, यू नो, इजीयर सेड देन डन. ऑफ कोर्स आई थिंक दैट टू काउंटर दिस वी नीड टू रियली जस्ट स्टार्ट कमिंग आउट. मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आई कम आउट विद whoever harassed me. But again, I will say that I am one of the luckier ones and I haven't, mere saath itna kuch bura nahi hua. But main aapka us din ek aur interview dekh rahi thi with Faryal, and no one's like come on to me this strong, like the way she was telling you. And I feel so horrible that this
had to happen to her, and she had to go through all of this. And no one should be able... Nobody should have to go through it. No one should have to go through this, especially if, you know... especially agar aapka livelihood is cheez ke upar depend kar raha hai. Lekin agar kisi ke saath hota hai, to phir I think that there should be measures that you can take to counter it, and there should be like someone helping you. But like, of course, right now we're far from this. Lekin mujhe lagta hai jaise ye hota rahega. Koi sisterhood hai industry mein? Is there camaraderie amongst young actors or young and older actors, female actors, ke share kar sakein ek dusre ke saath ya ek dusre ko warn kar sakein? Because aapki baaton se mujhe lag raha hai ki wo mic wala tha jisne harass kiya tha, to aisa nahi hai ki sirf senior actors ya producers ya people in the position of power, they are misusing their power. Ye to I think men are misusing their masculinity basically. Aisa hi hai na? ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि कोई किसी लेवल पे हो तो वो करे. तो कोई है कोई कोड ऑफ सिस्टरहुड अमंगस्ट एक्टर्स कि यार यू न्यू ऑन द सेट, यार ऐसा हो तो तुम मेरे पास आना, आई विल टेक केयर ऑफ यू. समटाइम्स ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोग दे आर लुकिंग आउट फॉर यू एंड दे विल लाइक विद सरमद, आई थिंक हिज सेट इज अमेजिंग एंड आई कैन ऑलवेज गो टू हिम. And there are some girls like Ushna Shah and, you know, a few other actresses jo ke bahut, you know, they're very, very nice, and you can always go to them and share anything with them. But I think that sabko apni apni badi hoti hai, and everyone wants to sort of ignore this and keep going ahead. So, you know, their career is unhindered. Yeah. Aur unke काम को कोई फर्क ना पड़े और उनको कोई कास्ट करना बंद ना हो जाए. तो यू नो दीज आर वेरी रियल फियर्स दैट कीप एक्टर्स अप एट नाइट. बिल्कुल, बिकॉज़ यू नो यू माइट हैव एवरीथिंग राइट नाउ, बट द नेक्स्ट डे एवरीथिंग कैन बी टेकन अवे फ्रॉम यू. या या, जस्ट बिकॉज़ ऑफ वन थिंग दैट यू सेड. हां, एब्सोल्युटली. आई बेट दैट द चुड़ैल सेट वाज a complete safe zone. ऑफ कोर्स, है ना? आई मीन, लेट्स टॉक अबाउट lighter and yet heavier stuff. Chudails ka set, I mean, how amazing was that? And you were the youngest of the four Chudails, and yet I think one of the most prominent. And Zubeda with her boxing, love for boxing, and completely kick-ass girl. How happy were you to get that role? I was ecstatic. I can't even explain to isn't you. Isn't that like made for you? Like, yeah. I read the character and I was like, that's me. I don't even have to do anything. And funnily enough, before I'd been cast, and there were some other girls reading for the character, I'm sure. Someone told Asim, I think it was Moazmi who told Asim that, oh, this is Meher. Yeah. This is Meher Bano. Ye toh yehi hai. Isi se karana hai aapne. And then he auditioned me, and next day he was like, yeah. Selected. Yeah. Course. I knew it was kuch aapko pata hota kabhi kabhar ki kaun sa character aapke liye hai, but it was an absolute privilege to get to do that character, and I can't imagine anyone else doing it. Did it spoil you for choice up after that? It did. Huh. It did. I think that for me to go back to television with the same fervor is kind of hard. Hard, yeah. Yeah, because I think that itna, you know, to do characters jiske andar aap acche bhi ho, bure bhi ho, or it doesn't matter, because you know you can be whatever, because that's how humans are. Yeah. So I'm essentially with what I was doing with Chudails was fulfilling my dream of, you know, just being represented. So it wasn't just me. I was so glad to be surrounded by characters that are really, really strong women. Really, really strong women who, the kind of women that I've seen and the kind of women I'd love to see around me. Or it was just a dream come true for me. And but I would say that since then, I have been getting characters jo ke isi thought ko aage leke chal rahe hain. I was going to ask you, has that helped you get better characters that you relate to more? It has.
the next project that I've done. I can't reveal what it is, but it's something I was super excited about. And television or web? It's for web. For web. Yeah.